फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको सूखी वड़ा पाव की चटनी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। ये चटनी के बिना हमारा जो वड़ा पाव है वो अधूरा रहेगा। तो आप ये सूखी चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो मैंने इधर ये 5 चीजों से बनने वाली ये चटनी है। तो 10 से 12 मैंने सूखी कश्मीरी मिर्ची ली है। अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो आप स्पाइसी वैरायटी भी ले सकते हो। आधा कप मैंने सूखा नारियल के ऐसे टुकड़े करके ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून सिंगदाने पीनट्स लिए हैं मैंने, और 1 पूरा पौड लहसुन का, तो या 12 से 15 लहसुन की कलियां ले लीजिए। तो हम ये सारे इंग्रेडिएंट को पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैं पहले कोकोनट नारियल को हम ऐसे रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे। और ध्यान रखिए स्लो आंच पे हमें 4 से 5 मिनट के लिए सेकना है, या जब तक उसका हल्का कलर गोल्डन जैसा हो जाए तब तक हम उसे रोस्ट करेंगे, सेक लेंगे। इससे हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट है उसकी जो चटनी हम बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, और जब हम स्टोर करेंगे तो लंबे टाइम तक ये अच्छी रहती है। तो स्टर करते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटेड रेडीमेड सूखा नारियल है तो आप ये स्टेप स्किप कीजिए, सबके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो मैंने ये स्टेप भी बताया है। तो अभी आप देख सकते हो कलर हल्का चेंज होने लगा है। अब ये तैयार हो गया है, मैं उसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दूंगी। और मिर्ची के डंडल मैंने निकाल दिए हैं, उसे भी हम 1 या 2 मिनट के लिए, या हल्की क्रिस्पी हो जाए तब तक हम रोस्ट कर लेंगे। आप आधी कश्मीरी और आधी स्पाइसी वाली जो भी आपके पास मिर्ची अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो। मैंने कश्मीरी मिर्ची इसलिए यूज की ताकि हमारी चटनी का कलर है वो एकदम रेड आएगा। तो ये सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो जाएगी, और इसे भी हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे। और सेम ही कढ़ाई में हम लहसुन को ऐड करके उसे भी सेक लेंगे। तो लहसुन को हम 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी रहती है। वड़ा पाव के अलावा आप इसे डोसा पर स्प्रिंकल कर सकते हो, इडली पर भी स्प्रिंकल करके खा सकते हो, रोटी में घी लगा के स्प्रिंकल कर सकते हो। तो कोई से भी जो स्नैक है, अगर आपको उसका टेस्ट बढ़ाना है तो आप उस पर ये स्प्रिंकल करके ये चटनी खा सकते हो। तो लहसुन हमारा अभी हो गया है, हम उसे कढ़ाई में निकाल देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट मैं स्लो आंच पे ही रोस्ट कर रही हूँ। और अभी 1 टेबलस्पून हम सिंगदाने पीनट को ऐड करके उसे भी रोस्ट कर ले। मैंने ऑलरेडी रोस्टेड ही लिए है तो सिर्फ हम उसे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए इसलिए आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अगर आप कच्चे सिंगदाने ले रहे हो तो उसे सेक के उसके छिलके निकाल दीजिए, फिर आप उसे यूज कीजिए। तो ये भी अभी हो गए हैं, हम उसे ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। तो नारियल सूखा हमारा रेडी हो गया है। मिक्सर जार में हम उसे पहले पीस लेंगे और एक बाउल में निकाल देंगे। और अभी हम सूखी लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, उसे भी हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे सिंगदाने, लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून से थोड़ा ऊपर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी आप सेक के ऐड कर सकते हो। और इसे हम 1 से 2 बार ही मिक्सी में पीसेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, ऐसा बड़ा बड़ा हमें पीसना है, आप देख सकते हो। और अभी हम उसमें नारियल ऐड कर देंगे, हल्का मिक्स करेंगे ऐसे। और 2 टेबलस्पून मैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दूंगी।
आप नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। एक बार सिर्फ हम लेफ्ट राइट घुमा के मिक्स कर देंगे, तो आप देख सकते हो मैंने एक ही बार मिक्स किया, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। हमारी वड़ा पाव की चटनी तैयार है। आप इसे ग्लास के बॉटल में निकाल के, आप उसे अगर रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो 3 से 4 महीने तक ये चटनी चलेगी। अगर रूम टेम्परेचर पर बाहर रखते हो तो ये 15 दिन तक अच्छी रहेगी। तो आप ये सूखी वड़ा पाव की